जब बात बेटियों की आई, जब मेरे घर पहली बेटी आई, तब विनीत मैंने चार लाइन लिखी बेटी के लिए। मैंने अपनी बेटी के लिए चार लाइनें लिखी और क्या लिखा कि बारिश में छाते की तरह होती है बेटियां, बारिश में छाते की तरह होती है बेटियां, मां बाप अगर दुखी हैं तो रोती है बेटियां। कि बारिश में छाते की तरह होती है बेटियां, मां बाप अगर दुखी हैं तो रोती है बेटियां। अरे टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है। बच्चियों को आप टूटा हुआ खिलौना दे दो, ये मस्ती से खेलेगी, और बेटे को दे दो आपके मुंह पे मारेगा, नया लाके दो। ये फर्क है बेटी और बेटे के अंदर, ये फर्क होता है बेटी के प्यार के अंदर, ये फर्क है बेटी के दिल के अंदर कि आपके प्रति कितना प्यार उसके दिल में होता है। मेरे पापा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे मम्मी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। मेरे भाई को भले कुछ भी मिले, मुझे कुछ ना मिले चलेगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा को तकलीफ मेरी वजह से ना हो। कि बारिश में छाते की तरह होती है बेटियां, माँ बाप अगर दुखी है तो रोती है बेटियां। अरे टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है पर शिकायत नहीं करती, पूरे परिवार का बोझ ढोती है बेटियां, फिर भी ये दुनिया वाले क्यों कहते हैं कि बोझ होती है बेटियां, बोझ होती है बेटियां, बोझ होती है बेटियां। क्या बात, क्या बात साहब। बेटियां आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती, ध्यान रखना। ये अपना भाग्य खुद लेके आती है। खाली इतनी बातें बोली, इनकी आंखें नम हो गई, इनके आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। यही बेटे को लेके अगर 50 घंटे भी लेक्चर दिया हो ना, उसकी आंख में एक बूंद पानी की नहीं आएगी। ये साबित करता है कि इन बेटियों के दिलों में पिता और मां के लिए, परिवार के लिए कितना प्यार है। ये चीज साबित करती है। तब मैं दुनिया से पूछता हूं, तब मैं संसार वालों से पूछता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ शब्दों का खिलाड़ी हूं। तब मैं इस संसार से पूछता हूं, इस दुनिया से पूछता हूं कि आखिर इन बेटियों ने क्या पाप किया है कि हमको ये नहीं चाहिए। गर्भ के अंदर आज भी, इस कलयुग के अंदर भी, जब सब बात करते हैं, सबका साथ की बात, सबके विकास की बात, बेटा बेटी एक बराबर, फिर भी आज भी दुनिया के अंदर बेटियों को गर्भ में मारा जा रहा है। तब मैं कहता हूं, शब्दों को सुनना एक एक, कि बेटे का क्यों मान है जग में, कि बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं, बेटे का क्यों मान है जग में और बेटी का क्यों मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। कि मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा तो बस धन को कमाए, बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते बनाती है। बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते बनाती है। बेटी वहां जो भी बैठी है, बेटी सबके लिए कह रहा हूं, बेटी हर सुख दुख में रहती, बेटी 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 हर सुख दुख में रहती है। शादी करने के बाद भी ये जब चली जाती है ना, यहाँ लगभग लगभग सब कवा की लड़कियां खड़ी हैं, लेकिन ये जब शादी करके भी चली जाएगी ना सर, तब भी वहां से दिन का एक फोन तो आपको करेगी करेगी और करेगी कि पापा मम्मी कैसे हो, आपने दवाई ली, तबीयत ठीक है। लेकिन बेटा पास में रहकर भी पूरे दिन में एक बार नहीं पूछता
कि पापा आपकी तबीयत कैसी है, कि पापा आपको किसी चीज की जरूरत है क्या, पापा क्या मम्मी कुछ चाहिए, पैर दबा दो अगर पैर दुखते हैं। लेकिन ये बेटियां वहां बैठी बैठी भी आपके लिए जी निकालती है कि बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते बनाती है, बेटी हर सुख दुख में रहती, माँ बाप का साथ निभाती है, बेटी हर विनीत आज तेरे को मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है, बहुत छोटी है, मेरी भी छोटी है, तेरी भी छोटी है, लेकिन जब ये बड़ी हो जाएगी ना, उस समय जो आंखों से ये जो बोलते हैं ना बारिश, वो थमने का नाम नहीं लेगी। हम लोगों को हंसाने के लिए, हम लोगों को भक्ति में रुनाने के लिए ना जाने क्या क्या इस मंच से करते हैं। और आपको एक चीज हकीकत बताऊं, कलाकार कितने अच्छे लगते हैं आपको स्टेज पे आते हैं तो, कितने अच्छे लगते हैं, ओहो कितना मान सम्मान, जब आते हैं फ्लाइट में आते हैं, एसी में रुकते हैं, गाड़ियां लेने जाती है, गाड़ियां छोड़ने जाती है, लेकिन हमारे पीछे जो दुख होता है ना, वो आप तक कभी नहीं पहुंचाने देते हम लोग। आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरे पिताजी जब ऑफ हुए ना, मेरे घर से मात्र 15 मिनट की दूरी पे मैं मंदिर में भक्ति कर रहा था और मेरे पिताजी ऑफ हो गए। उस समय मैंने अपने आप को बहुत कोसा कि काश ये भी कोई जिंदगी है, संगीत ना होता तो आज मैं अपने अंतिम समय में मेरे पिताजी के पास होता। लेकिन एक बार फिर सोचा कि पिताजी मेरे पास नहीं है, ये तो ऊपर वाले का लिखा हुआ है, जिस दिन जिसको जाना है वो जाता है, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे इतनी माँ और इतने पिता मिल जाते हैं, ये जिन शासन की सबसे बड़ी मेरे ऊपर कृपा है। इसलिए कहता हूँ कि बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी साथ निभाती है, बेटी हर सुख दुख में रहती, माँ बाप का साथ निभाती है, बेटी हर सुख दुख में रहती, माँ बाप का साथ निभाती है। जिस घर में बेटी ना हो, सुनना मेरी बात, जिस घर में बेटी ना हो उस घर का कोई मान नहीं, जिस घर में बेटी ना हो उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं। बेटा चाहे छोड़ भी जाए बेटी साथ ना छोड़ेगी, बेटा चाहे छोड़ भी जाए बेटी साथ ना छोड़ेगी। बाबुल का घर ना छोड़े, इतनी शादीशुदा बैठी है यहाँ पर, इनके दिल से जाके पूछो कैसा इनको लगता है जब 25 साल 22 साल के अंदर इनको कह दिया जाता है कि अब ये घर तुम्हारा नहीं है, जाओ ये घर छोड़ के किस उस घर में चली जाओ जिस घर में आप किसी को नहीं पहचानती। लेकिन इन बेटियों का मन कितना बड़ा, एक पल में हाँ भरती है और कहती है ओके पापा चलती हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई गिला नहीं, एक सेकंड में उस घर को छोड़ के चली जाती है, इतनी महान होती है बेटियां। इसलिए कहता हूँ साहब कि बेटा चाहे छोड़ भी जाए बेटी साथ ना छोड़ेगी, बाबुल का घर ना छोड़े बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना या जाए ससुराल में इतना प्यार मिले। ओ कि पापा पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने, तेरे पापा पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन
का ठिकाना है। और इन बेटियों की महानता क्या बताऊं साहब, समझिए आप बाहर जा रहे हैं, आपके लड़का भी है, बच्चा है, लड़का है, समझिए आप घर से बाहर जा रहे हैं या सिटी से बाहर जा रहे हैं, तो आपका बेटा आपको रोकेगा, आपका बेटा कहेगा पापा बाहर जा रहे हो कुछ लेके आना, मेरे लिए कुछ लेके आना। लेकिन ये बेटियां क्या कहती है मालूम है, क्या कहती है, सा समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सा समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, सास समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, 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 पप्पा जल्दी आ जाना। आज मेरी वाइफ का फोन आया मुझे, मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी वाइफ ने कहा कि छुट्टियां की छुट्टियां बीत गई, बच्चों के स्कूल खुलने के दिन आ गए, लेकिन आप इन 6 महीनों में एक दिन भी हमारे साथ नहीं रहे, एक दिन भी किसी को कहीं बाहर लेके नहीं गए, बच्चियां रोज रोती है, मैं भी सोचता हूँ कि कितना बदनसीब हूँ कि लड़कियों को कहीं लेने जा सका, मेरी वाइफ को कहीं छुट्टियों में लेके जा नहीं सका। लेकिन बेटियों की याद आती है, जब बात बेटी की आती है तो आंख भर आती है, बेटियों की याद आती है क्योंकि हम 6-6, 7-7, 8-8 महीने घर से बाहर रहते हैं, परिवार से अलग रहते हैं, तो थोड़ा दिल दुखता है। इसलिए कहता हूँ कि बेटा चाहे छोड़ भी जाए, बेटी साथ ना छोड़ेगी, बाबुल का घर ना छोड़े तो घर से रिश्ता जोड़ेगी, कि कन्यादान से बढ़कर दूजा, अजी कन्यादान से बढ़कर दूजा दुनिया में कोई दान नहीं, कन्यादान से बढ़कर दूजा दुनिया में कोई दान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं। कहा कि भाई लगातार 2-2 महीने 3-3 महीने प्रसंग में रहते हैं, अब इसको तो 3-3 बेटियां हैं, गाते गाते ये इतना भावुक हो गया है, मैं चाहूंगा इस कलाकार के लिए जितना जोरदार आप अभिवादन करें उतना कम है, और जो यहाँ पर आज माहौल विभिन्न ने बनाया है, हैट्स ऑफ, मैं पंच महाजन रानीवाड़ा कला की ओर से इस कला को नत नत नमन करते हैं, और आज इस मंच पर जितने भी लोग हैं, मंच पर ही नहीं यहाँ बहुमान करने वाले, उनकी भी आंखें आंसू में नम हैं, पीछे उनकी भी आंखें नम हैं, और जो 2 मिनट जितनी जो हमारी माता बहनों जो 5-10 उभी भी हैं, 2 मिनट वो पूरा गीत वेवा दो, एंड गीत ने अधूरो मत छोड़े ने जाओ, 2 मिनट होन जो, 2 मिनट बैठिए माजी बैठिए, सूर्य अवस्था इस गावरियों ने थे सूटन जाओ जी, भरे दिल ने चोट लागे, ये बीजी को गावनुस नहीं सीजे, ये रुको मत करो। और आगे कहा कि बेटा क्या लेकर के आया, सब जना बासा किए के सोरो सीजे सोरो सीजे, मने ओठानी पड़ी के सोरो का लेना आवे एरु जको सोरो सीजे, का बनने मूटी रे माई हीरा पन्ना भी है जको लावे ने भरे ने कई तिजोरी रे माई मेलो जको के वेवंती अपनो घर हालीला ने सोरी खाली आता वे, अरे बच्ची तो सब कुछ लेके आती है, इसलिए कहता हूं सुनना कि बेटा क्या लेकर के आया और बेटी क्या नहीं लाई है, बेटा क्या लेकर के आया और बेटी क्या नहीं लाई है। कितने लोग बैठे हैं जिनके सिस्टर है, बहन किसके किसके है, बहुत बढ़िया,
आप इस दुनिया के सबसे पुण्यशाली व्यक्ति है, मुझे बहन नहीं है, अफसोस होता है बहुत बार, लेकिन अगर आपको अपनी बहन का लाड़ का, आपको अपने बहन के प्यार का, ये बंधन का, अगर आपके दिल में कोई उच्च स्थान है, मेरी अगली पंक्तियां अगर अच्छी लगे तो अपनी अपनी बहन के लिए ताली बजाना, क्योंकि अनुमन देखा गया है हम किसी की अनुमोदना करने में पीछे रहते हैं। कोई अच्छू काम करते हुए तो फटाफट बनी अनुमोदना नहीं देती ओपति, लेकिन हाँ एक चीज रू कौम पे जरूर ध्यान रखो, वो जत्रु हाउ कौम करे रही और मैं खोटू कटे कर रहे पकड़ो कोई भाया। इस दुनिया में बुराई हर जगह है, हमारे अंदर भी है, सामने वाले में भी है, सृष्टि पर जो भी है उसके अंदर सबके अंदर बुराई है। हमको बुराई नहीं लेनी है, हमको उस व्यक्ति के अंदर की अच्छाई को लेना है। बुराई ढूंढने जाओगे तो सबसे बुरा अपन खुद को पाओगे। इसलिए कहता हूं सुनना कि बेटा क्या लेकर के आया और बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी के सुनी सुनी, बिन बेटी के सुनी सुनी हर भाई की कलाई है। बिन बेटी के सुनी सुनी हर भाई की कलाई है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बेटा क्या लेकर के आया और बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी के सुनी सुनी हर भाई की कलाई है। अरे रक्षा बंधन भाई दूज की, तुझको क्या पहचान नहीं, अरे रक्षा बंधन भाई दूज की, तुझको क्या पहचान नहीं। और थोड़ा सा आप और हम चलते हैं बचपने में, जब छोटे थे, आपकी बहन छोटी थी, आप छोटे थे, रक्षाबंधन का दिन आता था, ये बहनें छोटी छोटी बहनें ये सोचती थी कि आज राखी है, मेरे भाई को राखी बांधूंगी तो या तो 10 रुपए मिलेंगे, या चॉकलेट मिलेगी, या आइसक्रीम मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा, भावना वो रहती थी क्योंकि बचपना था। लेकिन आपकी बहन जैसे ही बड़ी हो गई, आपने उसकी शादी करवा दी, शादी के बाद में जब वो उस घर से आपके घर राखी बांधने आती है, तब वो बहन ये सोच के नहीं आती साहब कि मेरा भाई आज बहुत पैसे वाला हो गया है, इसलिए मैं जाऊंगी राखी बांधूंगी तो मेरा भाई मुझे सेट देगा, साड़ी देगा। वो सेट के लिए अपसेट नहीं होती, वो आपके लिए अपसेट होती है कि मेरे भाई पे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। उस भावना से वो आपकी कलाई पे राखी बांधती है, उस भावना से वो आपकी कलाई पे राखी बांधती है। इसलिए कहता हूं कि बेटा क्या लेकर के आया और बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी के सुनी सुनी हर भाई की कलाई है। रक्षा बंधन भाई दूज की, तुझको क्या पहचान नहीं। और अपनी अपनी बहनों के लिए प्रेम से मन से चाहो तो, मेरे कहने से नहीं, अपनी अपनी बहन के प्यार के अंदर दोनों हाथ उठाना एक बार, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान लगी, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान लगी। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं, बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान लगी, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान लगी। ओनली गॉड, गॉड अंतिम लाइन है सुनना, खाली गॉड, नो म्यूजिक, नो म्यूजिक। कि बेटा बेटी एक बराबर, इस गीत का सार दे रहा हूं, इस गीत का सार दे रहा हूं, वो आपके हवाले है, आप सबके हवाले है। कि बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा ना कोई छोटा है, कि बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा ना कोई छोटा है। अब मैंने कहूंगा कि आपको क्या करना है, फर्क जो समझे इन दोनों में,
फर्क फर्क जो समझे इन दोनों में वो नियत का खोटा है। फर्क जो समझे इन दोनों में वो नियत का खोटा है। ऐसी नियत वालों का तुम यहाँ करना कभी बहुमान नहीं। ऐसी नियत वालों का तुम यहाँ करना कभी बहुमान नहीं। और बेटियों की बात आई इसलिए कहता हूँ साहब, इस मंच पे वहां मंच पे कौन आ रहा है, तब से कौन आ रहा है, किसका बहुमान हो रहा है, जिन्होंने कोई चढ़ावे लिए हैं, जिन्होंने कोई चढ़ावे लिए, जिन शासन के लिए कोई काम किया है, उनका वहां पर बहुमान हो रहा है। आप क्यों आए, आपने बहुमान, आपने कोई चढ़ावा नहीं लिया, फिर भी आपको जिन शासन का ये मंच क्यों मिला, किसकी वजह से मिला, बेटियों की वजह से मिला। फिर कभी मत कहना कि बेटियां क्या दे सकती है, बेटियां जो दे सकती है वो बेटे भी नहीं दे सकते। कि बेटा बेटी एक बराबर बड़ा ना कोई छोटा है। भेद जो समझे इन दोनों में वो नियत का खोटा है। ऐसी नियत वालों का तुम करना कभी बहुमान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान लगी। मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान लगी। मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं। बेटी क्या संतान नहीं। बेटियां जब इनको जाना अकेला है। बेटियां 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 जितनी भी बेटियां आई हैं सबकी आंखें नम हैं। यहां पर भी मैं देख रहा हूं कितनी आंखें नम हैं, क्योंकि औंस की बूंद की तरह होती हैं बेटियां, स्पर्श अगर खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। बेटे तो एक कुल को रोशन करते हैं, दो दो कुल को रोशन करती हैं ये बेटियां, दो दो कुल को रोशन करती हैं ये बेटियां। रुकिएगा, मेरा एक सबसे फेवरेट गीत और है, मात्र दो मिनट का है, लेकिन उसके अंदर मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज इनको थोड़ा साइड में रखता हूँ, लेकिन यहाँ जितने भी बैठी हैं ना जिनकी शादियाँ हो गई है, इनके दिलों के अंदर अपने पापा मम्मी के लिए एक सवाल था जो इन्होंने आज तक नहीं पूछा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिंदगी में कभी ये लड़कियाँ अपने पापा मम्मी को सवाल नहीं पूछेगी, क्योंकि इनका मन इतना विशाल होता है। लेकिन मैं उस बात को आज आपके सामने लाना चाहता हूँ कि इन बेटियों के दिल के अंदर क्या छुपा हुआ है जो अपने पापा से पूछती हैं। पापा जवाब दीजिए, पापा जवाब दीजिए, ऐसा क्यों होता है, मैं गीत के जरिए पूछूंगा, ऐसा क्यों होता है कि बेटा बेटी हम दोनों आपके लिए एक बराबर हैं, तो कुछ दिनों के बाद आप हमको ही क्यों कहते हैं कि आप चले जाओ। भाई को तो आप जीवन भर साथ रखते हो, क्यों हमको ही छोड़ देते हो, क्यों आप एक तरफ तो ये कहते हो कि तू मेरे दिल की कलेजे की टुकड़ी है, फिर इस दिल के कलेजे के टुकड़े को आप जुदा कैसे करते हो और आप जी कैसे लेते हो। तो ये बेटियां सवाल उठाती है और एक प्रश्न अपने पापा से पूछती है, और क्या कहती है सुनिएगा, क्या स्केल है, आप छोड़ दो, मैं लेता हूं, उससे आप पकड़ो। कि पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों,
क्योंकि अगर मैं छोटी रहती तो आप मुझे कभी घर से बाहर जाने को नहीं कहते, शादी नहीं करवाते। ये मैं बड़ी होती गई, आपके मन में मुझे घर छोड़ने का विचार आने लगा। जैसे ही बड़ी हुई आपने कह दिया कि अब बेटा शादी करो और जाओ। तो मैं छोटी रहती तो कम से कम आपके साथ जिंदगी भर रहने का तो मिलता, ये बड़ा होने का रिवाज नहीं होना चाहिए था। मैं छोटी ही अच्छी थी कि पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में कुछ दिन और रहती, कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। गया वो बचपन गए वो सपने, गया वो बचपन गए वो सपने, बेगाने हो गए, बेगाने हो गए तेरे वो अपने, बेगाने हो गए तेरे वो अपने। ओम तब पापा कहते हैं, नन्ही सी तू गुड़िया मेरी नन्ना सा वो झूला तेरा, नन्ही सी तू गुड़िया मेरी नन्ना सा वो झूला तेरा, जहाँ मैं दूर हुआ वहीं पे मुँह फूला तेरा, कभी तू मना लेता गले से लगा लेता, कभी तू मना ले। एक बार बेटी को गले लगाओ, ऐसे गले लगाओ उसको, उठा लो गोद में उठा लो। कभी तू मना लेता गले से लगा लेता, दिन यही और रहते तो क्या बिगड़ जाता। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, अब घड़ियां आ रही है विदाई की। किसकी? शादी की बात हो गई, शादी हो गई, अब घड़ी है विदाई की। जब बेटी विदा होने को है तब एक बाप कहता है कि करूंगा मैं विदा तुझे। अब पिता अपना दर्द बताता है, सब बेटे सुन लेना, इस दुनिया के अंदर अगर आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो आपके पिताजी है, पिताजी से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है। कि करूंगा मैं विदा तुझे, आए किस दिल से सोचू जब ये गीतों में रह जाऊं हिल के। पर मेरी बेटी तुझे जाना तो होगा, ये दुनिया का दस्तूर है। आज तक बेटियों को ही जाना पड़ा है, कल आपको सबको जाना है। कि पर मेरी बेटी तुझे जाना तो होगा, तूने जिसे चाहा उसे पाना तो होगा। चल री सजनी अब का सोचे, कचरा न बह जाए रोते रोते। चल री सजनी अब का सोचे,
कचरा न बह जाए रोते रोते। जितने पापा स्टेज पे खड़े जिन्होंने गोद में ले लिया बड़ी बात, लेकिन जो बेटी बड़ी है गोद में नहीं आ सकती, कम से कम उनके सर पे दोनों हाथ रख दो कि पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं बड़ी से बड़ी हो गई क्यों, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, बड़ी हो गई।